लेकिन आप देखें कि फिर भी लोग जमा हो रहे हैं। अब 8 सितंबर का उन्होंने ऐलान किया है, 8 सितंबर को यहाँ जलसा होगा। ये मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी और उन्होंने कहा था कि आपको जलसा करने की इजाजत है। बहरहाल मैं पीटीआई के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तरह पाबंदियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वहाँ पे पहुँचे। फिर आखिर इंशाल्लाह एक ना एक दिन होगा, खान साहब बाहर आएंगे और सब लोग खान साहब को याद करें। मैं समझता हूँ कि फ्री होने की हैसियत से भी हम कितनी भी ये समझते हैं कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, पाकिस्तान को हम सियासी लिहाज से, सफाती लिहाज से, माशी लिहाज से, हर लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। तो हम कश्मीरी भी समझते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की जो जमानत है, कामयाबी की, वो खान साहब है। बहरहाल मैं सब कारकुनों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आज आज ये चले जाएं और इंशाल्लाह 8 सितंबर को फिर खान साहब की काल पे हम फिर यहाँ पर। कश्मीरी जो अपने हुकूम के लिए निकले थे कश्मीर में, क्या इस्लामाबाद में भी वैसी तादाद आएगी कश्मीरियों की? देखिए जी, अगर ये जलसा अगर कैंसिल ना किया उससे बहुत बड़ी तादाद आएगी, बहुत बड़ी तादाद आएगी। जलसा कैंसिल में जलसा